यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट इज दिस. सो लेट्स टेक, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो हेयर इन दिस क्वेश्चन इट्स बेटर टू टेक द राइट हैंड साइड एंड देन वी विल कम टू लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वी कैन राइट 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, नीचे आएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए. नाउ हाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, बिकॉज वी हैव यूज दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट. अब हम ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया 1 प्लस कॉस ए. अब 1 प्लस कॉस ए की जगह आप लिख सकते हैं सीकेंट ए, तो ये बन जाएगा सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए. यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सो इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Now here this is our next question. Here we are going to take with the left hand side, because left hand side को simplify करें आगे further simplify करके solve करेंगे और हम right hand side पे आएंगे. अब यहाँ आप देखें हमारे पास है cos a minus sin a plus 1 a, और हमें इसमें identity use करनी है. हमें question में given है कि we have to use the identity cosecant square a plus equal to 1 plus cot square a, ठीक है. तो left hand side को मुझे कॉट के इक्वल लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी इस होल को डिवाइड करूँगी साइन ए के साथ, ठीक है. तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको मुझे डिवाइड करना है कॉस, नहीं कॉस है ना, तो मुझे इसको कॉट बनाना है. कॉट बनाने के लिए मैं इसको साइन ए के साथ डिवाइड करूँगी. सेम फॉर द डिनोमिनेटर, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है. अब cos a अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, cot a. साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हो गया हमारे पास cosecant a. नीचे cos a अपॉन साइन ए cot a, साइन साइन कट जाएंगे प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए cosecant a, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, cot a और cosecant a को एक साइड पे करेंगे और 1 की जगह पे हम आइडेंटिटी पुट करेंगे. सो हाउ यू विल डू, cot a प्लस cosecant a, और ये जो हमारे पास 1 है इसकी जगह मैं पुट करूंगी cosecant square a माइनस cot square a अपॉन, हमारे पास नीचे जो है वो सेम आ जाएगा cot a माइनस cosecant a प्लस 1, ठीक है. नाउ अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए. आफ्टर दैट अब ध्यान से देखो, इसमें cot a प्लस cosecant a और ये है हमारे पास cosecant square a माइनस cot square, मीन्स यहाँ पे हम a square माइनस b square की आइडेंटिटी लगाते हैं. सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ कॉमन निकलेगा इसमें से. cosecant a माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cosecant a प्लस cot a cosecant a माइनस cot a, ठीक है. और नीचे हमारी जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज ही आएगा. नाउ अब ये है cot a प्लस cosecant a, ये भी है cot a प्लस cosecant a, ठीक है. तो आई थिंक अब हमें इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है. अब मैं इसमें से कॉमन निकालती हूँ इज इक्वल टू cosecant a प्लस cot a, ठीक है. इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया. अब अगर इसको इन दोनों वैल्यूज को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 माइनस cosecant a माइनस cot a, ठीक है. हमने इसको कॉमन निकाला, इसकी जगह 1 रह गया, और इस ये तो कॉमन था और इसकी जगह हमारे पास ये माइनस 1 रह गया, और नीचे हमारी वैल्यू सेम आएंगी cot a माइनस cosecant a प्लस 1,
अब ये वन है, ये माइनस है, ये कॉट है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो चलिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सीकेंट ए प्लस कॉट ए, ये हमारा वन माइनस सीकेंट ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, नीचे फ्रैक्शन है कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन, तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और हमारे पास क्या बच गया, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड, राइट। तो हमारा ये सब इस तरह से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, डिफिकल्ट है, बट इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो यस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड है रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, तो हमें इसकी रूट को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, वन प्लस साइन ए के साथ वन प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट तो साथ में आई गया है, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस लाइक वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी हमारी आएगी, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर, और इधर से रूट, अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देते हैं, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो वन ओवर कॉस ए हमारा है इक्वल सीकेंट ए के, साइन अपॉन कॉस ए हमारा है टैन ए के इक्वल, सो दिस इज आर राइट हैंड साइड। इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है।